दोस्तों आज हम पहुंचे हैं जी एक बार फिर कार प्लेनेट पे और आपको दिखाने वाले हैं जी गाड़ियां कैसे मॉडिफाई की जाती हैं। आज हमारे पास थार खड़ी है जो बिल्कुल रूबिकॉन की शेप में तैयार की गई है और ऐसे काम हुए हैं जो आज से पहले आपने थार में नहीं देखे होंगे। बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल कार तैयार की है हमारे काकू भैया ने, हमारे पास यहाँ खड़े हैं। काकू भैया सत श्रीकाल, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल, बस बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? काकू भैया हमेशा की तरह एक बढ़िया काम। हाँ बिल्कुल, ये तो आज जो मतलब लेके आए हैं थार, ये बिल्कुल ही एक जो हमने पहले थारे दिखाए हैं उससे थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा यूनिक सा काम है। तो मैंने कहा यार चलो ये जो इतनी अच्छी चीज़ बनाई है तो हम अपने सारे कस्टमर को दिखाएं, दिखानी भी चाहिए। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट आप देख सकते हो रूबिकॉन इंस्पायर जो है इसका बम्पर है, ब्लैक एंड रेड का कम्बिनेशन है क्योंकि गाड़ी ब्लैक है। कस्टमर की जो लाइकिंग थी, कस्टमर बेसिकली बाहर रहते हैं उनकी यही लाइकिंग थी कि यार मैंने ब्लैक एंड रेड में ही इसको अपडेट कराना है। तो इसी करके जो इसका फ्रंट बम्पर है पूरा प्रॉपर ब्लैक एंड रेड में है। इसमें ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड ब्लैक वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फ्रंट ग्रिल इसकी आप 7 स्लॉट वाली देख सकते हो और एक रिंग जो हमने इसका जो एक स्लॉट है वो हमने ब्लैक एंड रेड में कम्बिनेशन रेड का कम्बिनेशन के साथ अपडेट किया है। और इसकी जो हेडलाइट है ये जो डबल प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट डली है। इसमें डिज़ाइन हमारे पास और भी अवेलेबल हैं, अगर आप यू वाली लेना चाहते हो या किंग कॉन्ग सारी, मतलब जो भी है हमारे पास वो लाइट्स इसमें बहुत अवेलेबल हैं इसके। तो काकू भाजी जो मैं बम्पर की बात करूं तो ये रूबिकॉन वाला ऑफ रोडिंग वाला, ये ऑफ रोडिंग वाला बम्पर है बिल्कुल, तो एकदम सुपर्ब है। इसके साथ अगर मैं कहता हूँ अकेला बम्पर ही आप चेंज करा लेते हो ना तो एक लुक जो है आगे से इतनी इनहेंस हो जाती है कि मज़ा आ जाता है। ऊपर से आप ग्रिल देख रहे हो और ऊपर से रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है मतलब टू गुड है यार, मज़ा आ गया। गाड़ी फ्रंट साइड से आपको कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करो क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के साथ ये जो कनेक्शन है इसको बढ़ाते जाओ और जल्दी से कमेंट करके बताते जाओ कि आपको ये फ्रंट साइड से जो लुक है, लाइट अच्छी लगी, ग्रिल अच्छी लगी या बम्पर अच्छा लगा। तो इसके आगे काकू भाजी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अलॉय टायर्स का काम हुआ है जो गाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो उसमें जो हाथ है वो है हमारे हरमन भाजी का, जो हरमन भाजी ने 22 इंच के फ्यूल कंपनी के अलॉयज जो हैं वो फिट किए हैं। भाजी प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, माइक भाजी प्लीज़। 22x12 जे अलॉय व्हील है, फ्यूल कंपनी का अलॉय व्हील है, जैसे आप देख सकते हैं फ्यूल की बैचिंग हुई हुई है। और जो 12J है वो आपको एग्जैक्टली देखते हैं सारी ना इसकी विजिबिलिटी से ही पता लग जाएगा कि ये अलॉय व्हील कितना कॉनकेव है। मैं भैया को कहूँगा जब वो स्ट्रेट पे यहाँ पे कैमरा रखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी इसकी डेप्थ है ना वो 12J आपको डिनोट करेगा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा डीपर अलॉय व्हील है। दूसरा उसके बाद इसके ऊपर जो टायर डला हुआ है वो टायर है चाइनीज़ 33 12.5 22 LT टायर, कंफोजर कंपनी का टायर है, चाइनीज़ टायर है, जो बेसिकली 20 to 22 जो ऑफ रोडिंग टायर्स मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको चाइनीज़ ही मिलेंगे। और ट्रेड आप देख सकते हैं जो ट्रेड है इसका BF गुडरिज की कॉपी है और जो BF गुडरिज मेरे हिसाब से वो जो है वो मतलब उसकी और इसकी कीमत में मोर देन डबल का फर्क होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अलॉय और टायर्स के लिए। अगर आप किसी भी गाड़ी के अलॉयज और टायर्स डलवाना चाहते हैं तो हरमन भाजी को कॉन्टैक्ट जरूर करना, इनका नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। और काकू भैया और काम क्या हुआ है? और काम बाकी इसका जो इंटीरियर में हम आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर भी जैसे हमने आउटर भी इसका ब्लैक एंड रेड में ही अपडेट किया है तो इसका जो इंटीरियर है हमने वो भी सारा ब्लैक एंड रेड में ही अपडेट किया है। ये आप साइड पैनल्स देख सकते हो कि जो इसकी जो साइड पैनल्स है प्रॉपर ब्लैक में रेड स्टिचिंग के साथ है, कार्बन फाइबर इसमें अपडेट है। उसके बाद इसमें एम्बियंस लाइट है K3 वाली, K4 भी अवेलेबल है, K3 भी अवेलेबल है, हमारे पास ये दोनों अवेलेबल हैं। और उसके बाद सीट कवर्स आप इसके देख सकते हो ब्लैक एंड रेड बिल्कुल 00 फिटिंग के साथ। आप ये देख सकते हो कि कहीं भी आपको कोई रिंकल नहीं नज़र आएगा, मतलब हर एक चीज़ जो फिटमेंट है वो एग्जैक्टली 0 और सॉफ्टनेस लेदर है, डबल फोमिंग में है, वो आपको फिटिंग देख के ही आइडिया लग सकता है कि ये देखो आप बिल्कुल जो फिटिंग है इसकी 00 है। जो और मैट्स भी जो इसके हैं हमने वो सारे ब्लैक एंड रेड में ही अपडेट किए हैं। उसके बाद जो इसका स्टीयरिंग कवर है, आप ये स्टीयरिंग कवर मैं दिखाऊंगा कि ये स्टीयरिंग कवर जो जैसे जेन्युइन बाय डिफॉल्ट लग्जरी कार्स में आता ही है टॉप मॉडल्स में वो चीज़ है, ये नहीं कि सिर्फ आउटर रिंग हमने इसमें अपडेट किया है। और जो कार्बन फाइबर है वो इसमें भी अपडेट है। उसके बाद जो हमने गियर वाला ये लेदर है ये भी सारा इसमें अपडेट हुआ है। और कार्बन फाइबर का जो आप जहाँ पे स्टीरियो लगा है ये मतलब ये कार्बन फाइबर की किट आती है जो इसमें इंटीरियर, इसमें हमारे पास ग्लॉसी पैनल भी पड़ा है, मतलब पियानो ब्लैक चाहिए वो भी अवेलेबल है। और आर्मरेस्ट भी इसका जो है ये ब्लैक एंड रेड, जो तीनों आर्मरेस्ट हैं ब्लैक एंड रेड में अपडेट है। इसके बाद जो हम आपको रूफ़ में लेके चलते हैं, आप इसकी रूफ़ देख सकते हो, रूफ़ की आप फिटमेंट देख सकते हो कि प्रॉपर, ये नहीं कि हमने कोई फोम लगा के इसको अलग से जोड़ा हुआ है, बिल्कुल जो 00 फिटमेंट आती है कंपनी की तरफ से वही। और जो सेंटर पैनल है वो भी इसमें अपडेट किए हैं, नहीं तो नॉर्मल क्या होता है हम फ्रंट और जो बैक साइड वाली रूफ़ देखते हैं ज़्यादातर, तो इसमें क्या है ये जो सेंटर पैनल है जिसमें हमारे स्पीकर्स लगे आते हैं कंपनी की तरफ से वो भी इसमें अपडेट है।
तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी एम्बियंट लाइट इसमें और सिस्टम भी इसमें बड़ा बहुत बढ़िया अपडेट है। सिस्टम में इसमें दो एम्प लगे हैं, जो फ्रंट में है वो कंपोनेंट्स हैं और जो रियर में आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर इसमें। अकूबा जी, रियर में आने से पहले एक बार पांचवे लुक के अलॉय के साथ जो लुक आ रही है वो भी एक बार जरूर चेक करवाते हैं। हाँ, वो भी चीज़ ये है। आप प्लीज देख सकते हैं पांचवे अलॉय के साथ जो लुक है वो जबरदस्त है। और पाजी बैक लाइट ने तो चार चांद लगा दिए। हाँ, ये बैक लाइट नो डाउट आप ब्लैक के साथ स्मोकी फ्लेवर के साथ, ये इन्फिनिटी इसका जो डिज़ाइन का जो इसका मॉडल नेम है इन्फिनिटी की एक्स, इसको एक्स भी कह देते हैं इन्फिनिटी, साथ ही में इसके जो रिफ्लेक्टर्स भी जो सेम डिज़ाइन है, मतलब एक ही तरह का हमने इसको लुक दिया है, कोई ये चीज़ नहीं कि अलग कोई लुक है। तो इंटीरियर आपने देखा है, सिस्टम भी आपको हम आप दिखाने लगे हैं कि जो इसमें सिस्टम अपडेट हुआ है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। इसमें ये चार स्पीकर्स लगे हैं, ये प्रॉपर जो ओवल स्पीकर जो फ्रंट में कंपोनेंट्स लगे हैं और पीछे में दो पेयर जो दो पेयर ओवल के स्पीकर लगे हैं और दो वूफर के साथ अपडेट आई है। दो वूफर लगे हैं? हाँ, दो वूफर। कौन सी कंपनी के लगे हैं? पाइनियर के। मतलब सारा 100% ब्रांडेड है, वो तो चीज़ आपको पता ही है, पहले भी आपने इतनी देखी है। मतलब ये जो इसमें सारी चीज़ें हैं, जो वूफर एक मोनो ऐप में रन हो रहा है और फोर चैनल में दो कंपोनेंट और चार ओवल इसमें रन हो रहे हैं सारे। काकू भाई एक बात बता दो छोटी सी कि इस गाड़ी में अगर पूरे खर्चे की बात करूं टोटल मॉडिफिकेशन कितने की हो रखी होगी? सर देखो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप सिस्टम के साथ ले मतलब आप इसको हम पकड़े तो अप्रॉक्स 1.25 के ऊपर का इसका विदाउट अलॉयज। विदाउट अलॉयज ये जो सिस्टम एंड सीट कवर इंटीरियर की जो बात, इंटीरियर की जो बात है। अलॉयज और टायर्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डलवा सकते हो। तो गाड़ी कैसी लगी कमेंट करना जरूर और बताना जरूर। और काकू पाजी के पास कहाँ आना है पाजी, एड्रेस बता दो अपना। हमारी शॉप है कार प्लैनेट, बैक साइड सेशन कोर्ट रोड, BMC चौक, जलंधर। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7816001300। थैंक यू सो मच काकू पाजी, आपने टाइम दिया। दोस्तों ऐसे ही आप भी प्यार देते रहिएगा, हम आपके लिए गाड़ियां लेके आते रहेंगे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।